ठीक है जी, आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे, आप किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगा। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। In a dramatic turn of events, the face of Ghazipur border turned from desolate to hopeful on the intervening night of 28th and 29th January. Hundreds of farmers from nearby districts of Delhi poured in huge numbers at the protest site after a clip of DKU leader Rakesh Tikait breaking down in front of the camera went viral. राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा, सरकार से बात होगी, कानून पर बात होगी। टिकैत जी, आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे, आप किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे क्या वजह कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं, गलत चीज है। आज षड्यंत्र रच गया, 26 तारीख से षड्यंत्र था जी, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी, दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, प्रदेश की जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई, नहीं होगा, किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा, धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। प्रशासन ने धोखा के 5 लोग हम गिरफ्तारी कर लेते हैं, और लोग यहाँ से चले जाओ, बीजेपी के लोग नीचे आ रहे हैं, भाई नीचे कर ले जरा, कर लगभग कितनी गाड़ी आ रखी है? 25-30 गाड़ी बीजेपी के लोग लेकर आ रहे हैं, उसका विधायक लेकर आ रहा है, मतलब किसानों को मारने का काम करा जा रहा है, ये प्रशासन दोहरा चरित्र अपना कुछ नहीं साफ है। अब आप यही रहूंगा, और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा पानी नहीं पीऊंगा, गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे, प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी, मुझे किसानों से पानी चाहिए, 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्होंने झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू एन ANI वीडियो, टिकैत ऑल्सो स्लैप्ड वन पर्सन इन द क्राउड। कौन है? टिकैत आउटबर्स्ट केम अमिड हेवी पुलिस प्रेजेंस एट द गाजीपुर प्रोटेस्ट साइट, which saw farmers leaving in huge numbers following Republic Day violence. Organizations like Khalsa Help International were nowhere to be seen, tents were taken down and tractors were packed and ready to go. In the evening, police marched inside the protest site to arrest Tikait and vacate Ghazipur. The atmosphere was tense and clashes seemed imminent. But after Tikait's clip went viral, farmers from nearby districts in Uttar Pradesh poured in hundreds that night to lend their support to their leader, whose emotional outburst, they said, moved them to take action. Reportedly, farmers are also pouring in from Haryana, Punjab and Uttarakhand at the protest site to lend their support to the cause. हम राजनगर के पास से गंग नहर जलगाबाद से आए हैं, 200 आदमियों का काफिला निकला था गांव से, और काफी मात्रा में गांव में आदमी इकट्ठे हो रहे हैं टीवी को देखकर। अच्छा, टीवी को देख के? टीवी पे क्या देखा आपने? यहाँ जाके सकता ही कर रहा है, इस वजह से हम गांव से चले थे। अच्छा, तो आपका यहाँ पे टीवी पे आपने हिंसा का आपने देखा कि हो सकती है हिंसा, इसलिए आए? और टिकैत जी ने ऐसा क्या बोला जिसने टिकैत जी ने अपना सब कुछ दाव पे लगा रखा हमारे लिए, रात दिन यही पड़े हैं 62-64 दिन से, क्या हमारा हक नहीं है कि हम यहाँ पहुँचे? गांव में पंचायत चल रही है अभी, गांव से कम हमारे गांव में 10,000 आदमी है, 5,000 आदमी आप पहुँच जाओगे सुबह तक। इट इज
midnight. The date has changed and so has the tone of these protests. In the morning, Ghazipur protest site looked desolate, quiet. People had left for their homes. The police had gathered here in large numbers and it looked like that this is the end of these protests. But then an emotional appeal by Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait did the trick. An emotional Tikait stood on the stage and said that I will die here, but I will not leave. He appealed to his farmer brothers to come to Ghazipur and support this movement. And his brothers did come here in large numbers. Hundreds of farmers from their villages have poured into Ghazipur to support the protest in large numbers. And the atmosphere here is gleeful. It has changed. There is hope that this is nowhere near the end of this movement. For the print, this is Shubhangi Mishra with Manisha Mondal from Ghazipur Border.